नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि माता रानी की कृपा से और इनके आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं सदैव भगवान से प्रे करूंगा कि आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में खुश रहें और ढेर सारी तरक्की और ढेर सारी उन्नति करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 और 13 नवंबर यानी कि यह दो दिनों की आपके राशिफल की महाराशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दो दिनों के समय काल में जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी डे है, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाई। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों यह दो दिनों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों यह दो दिनों के समय अंतराल में आपके ज़िंदगी में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं? दोस्तों आप लोगों को ऐसे में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, तो कौन से बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना आप लोगों को यह दो दिनों में करना पड़ेगा। साथ ही ऐसे में आप लोगों को किन चीज़ों से बचकर रहना है और किन चीज़ों से काफ़ी सावधान और सतर्क भी रहने की आवश्यकताएँ हैं। दोस्तों साथ ही इन दो दिनों के समय अंतराल में आप लोगों को किन किन क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है, तो कौन से कार्य करने से ऐसे में आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होंगी। साथ ही हम बात करेंगे कि इन दो दिनों के समय अंतराल में आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े बड़े और मुख्य परिवर्तन भी लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से बड़े बड़े खुशखबरियाँ भी आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली हैं। दोस्तों साथ ही बात करेंगे या दो दिनों में आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी और घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप इस उपाय को अगले इन 48 घंटों के अंदर कर लेंगे, तो दोस्तों मैं किन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहेगी। तो वह दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले जो भक्त अपनी माँ से सच्चे प्रेम करते हैं, इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सभी सच्चे भक्त प्रेम से जय माता रानी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बने रहेगी और माता रानी की कृपा से आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली बने रहेगी और आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि आप जीवन में अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय बिल्कुल भी नहीं व्यर्थ करता है। जी दोस्तों, इसलिए जीवन में आप सही बने पर सही बनने की साबित बिल्कुल भी ना करें और इसमें आप समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने ज़िंदगी के फैसले परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर लिया गया फैसला हमेशा आपको दुखी देगा, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें, क्योंकि दुनिया को देख कर लिया गया फैसला हमेशा आपको दुखी देगा। इसलिए हमेशा इन बातों को आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। दोस्तों अगर गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा और सही लगा और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों गुरु जी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आज दोस्तों बात करते हैं आने वाले इन दो दिनों की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले या दो दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। दोस्तों यह समय आप लोग हर काम को सोच समझ कर करने का दिन है। दोस्तों यह समय हर काम संभल कर करें और हाथ से कोई भी अवसर बिल्कुल भी ना जाने दें। दोस्तों यह समय आप लोगों को जो भी अच्छा मौका मिलेगा उसे हाथ से जाने मत देना, वरना आप बाद में पछताना, वरना आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। जो दोस्तों क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो दोस्तों यदि आपने ऐसा किया है तो बाद में आपको समस्याएं भी आ सकती हैं और आप अच्छे लाभ के चक्कर में छुटपुट लाभ के अवसरों को हाथ से नहीं जाने देंगे और आप अपनी मेहनत व लगन से भी जिस भी कार्य को करेंगे उसमें
आपको यश में सफलता अवश्य ही हासिल करेंगे और आपको अपने अधिकारियों का पूरा साथ और समर्थन भी मिलेंगे। यश व्यापारिक कार्यों में भागदौड़ वाले भी रहेंगे और आपको चारों तरफ से काफ़ी दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। और यश में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी काम का जोर बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा और नौकरी पेशे वर्ग में सेल्स कर्मचारी पर काम को बढ़ाने का प्रेशर भी रहेगा। जी दोस्तों, और यश में अपनों से बड़ों या फिर कैसे भी अनुभवी से सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और यश में मेहनत, धैर्य और समझदारी से आप काम भी निपटा लेंगे। आप व्यस्त हो सकते हैं और आपके पास बहुत से जिम्मेदारियां यश में हो सकती हैं। धैर्य से काम लें तो आपके सारे कार्य पूर्ण अवश्य ही होंगे। और यश में प्रेमी संतान, परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ समय बीत सकता है। आपके लिए दिन ऐसे में संतोषजनक भी हो सकता है और रोजगार में स्थितियां पहले से ऐसे में ठीक होने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में नए ऑफर आपको मिल सकते हैं और अपने कंटेंट्स पर ध्यान दें और संतान पर भी ऐसे में नज़र रखें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। और परिवार में ऐसे में मांगलिक कार्यों की और परिवार में ऐसे मांगलिक कामों की योजना भी बन सकती हैं। और दोस्तों, यह समय आपके कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके कामकाज में इसमें रुकावटें भी पैदा कर सकती हैं तो ऐसे में आप लोगों को इसमें थोड़ा सावधान भी रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी और किसी से यह समय अनबन होने के योग भी बन रहे हैं। तो यह समय आप लोग बहुत ही सावधान रहें और चाहे जैसी भी स्थिति बने यह समय आप कर्ज बिल्कुल भी ना लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो इस बात के इसमें आप लोग जरा ध्यान में रखेंगे। और दोस्त, इसमें लव लाइफ से जुड़े पुराने मतभेद भी इसमें दूर होने के योग्य हैं और पति पत्नी के संबंध इसमें सुधर भी सकते हैं। और दोस्त, इसमें बिजनेस और नौकरी के लिए भी समय बहुत ही मिला जुला वाला समय रहेंगे। इसमें स्टूडेंट के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट को इसमें उनकी मेहनत का फल उन्हें इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, और यश में सेहत पहले से ठीक रहेंगी और थोड़ी थकान और आलस्य भी यश में आपका हो सकता है। तो यश में आप काम करते समय थोड़ा सा आराम करें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। जी दोस्तों, बेहतर रहेंगे। और यश में पैसों के लेन देन में आपको काफ़ी बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकताएँ होंगी, अन्यथा आप जिसको पैसा देंगे वे आपका पैसा लेके भाग भी सकता है या फिर आपका पैसा डूब भी सकता है। तो यह समय आप किसी को अगर पैसा लेन देन करेंगे तो जरा उनके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी ले लें, तभी आप किसी को पैसों या समय दें तो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और यह समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन भी हो सकती है। किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले अपने से बड़ों किसी की सलाह एक बार जरूर लें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे और संयम और धैर्य से काम करें आपके लिए भी अच्छा रहेंगे। और दोस्तों, ऐसे में आप माँ दुर्गा की पूजा करें, आपके सभी काम बनेंगे और आपके सारे मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगे। जी दोस्तों, तो आज दोस्तों बात करते उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आने वाले इन 48 घंटों के अंदर आप लोगों को वह कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानी दूर हो जाए और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बन रहेगा। दोस्तों, आप लोग इन 48 घंटों के अंदर सूर्य चालीसा का पाठ करें और साथ ही आप इसमें नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ दें। दोस्तों, इस उपाय करने से आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी।